वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो 11th क्लास में हमने फर्स्ट जो चैप्टर अपना था लिविंग वर्ल्ड वो शुरू किया था, आपको लाइफ एंड लिविंग के बारे में बताया था, लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे। आज उन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो था अपना वो था डेफिनेट शेप एंड साइज, लिविंग बींग का ये कैरेक्टर बताया। स्टूडेंट शेप एंड साइज से हम सभी समझते हैं भी क्या होता है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, बिन लिविंग बीइंग का एक जो साइज है एक डेफिनेट होता है, उनकी एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं है कि कितने भी बढ़ गए कैसा भी साइज हो सकता है, ऐसा नहीं होता। उनके अंदर क्या होती है डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, एक पर्टिकुलर रेंज तक ही वो साइज ग्रो करता है, ठीक है। एक नैरो रेंज तक कुछ उसके अंदर चेंजेस जरूरी होते तो आते हैं, बट उसका पर्टिकुलर जैसे हमारी शेप एंड साइज है ह्यूमन की तो यही है, यही नॉर्मल सेमी के अंदर होती है, इसमें चेंजेस नहीं आते। अगर हम नॉन लिविंग को देखें तो अगर माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन छोटे भी होते हैं और माउंटेन्स बड़े भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और उसके अंदर देखें वो ग्रो उनकी जो शेप देखेंगे, ठीक है, साइज हो गया वो तो शेप देखेंगे तो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं उनके। तो लिविंग बींग में ऐसा नहीं होता, लिविंग बींग में क्या होता है एक डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, और इसी डेफिनेट शेप एंड साइज के कारण इसको क्या बोलते हैं मोर्फस, क्या बोलते हैं मोर्फस बोला जाता है लिविंग बींग को, ठीक है। लिविंग बींग की क्या होती है डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होती, इसलिए उनको क्या बोलते हैं अमोर्फस, क्या बोलते हैं अमोर्फस। तो इनकी डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है शेप एंड साइज की, उस नॉन लिविंग में वो चीजें नहीं होती, लिविंग में डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। सेकंड जो था अपना वो क्या था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म से ही तो वर्ड बना है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर ना या लिविंग के अंदर एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट है एक अलग तरह, जिसमें पहले क्या है जिसे हम देखें सेल से क्या बना है टिश्यू, टिश्यू से क्या बना है ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम, उससे पूरी जो बॉडी है पूरी उसके बाद कम्युनिटी है वो बनती है। ये मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर है। सेल के अंदर भी अगर आप देखो है ना फ्रेंड्स, तो सेल में भी अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो सभी मिलके सेल को बनाते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स की अगर कंपोजिशन देखोगे वो भी अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये कंप्लीट वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है लिविंग बींग्स के अंदर, सेल बनी टिश्यू बना टिश्यू से ऑर्गन बना, और इन सभी की अगर इसके अंदर जो पूरी अपा अगर इसकी केमिकल स्टडी करेंगे वो इसके अंदर मिलेगी। पर डिफेंस क्या आया यहाँ पे, डिफेंस ये आया वो थोड़ा डेवलप हो गया स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे, इसके फंक्शन क्या है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन में ये हो गया, और पूरी बॉडी एक अलग फंक्शन करती है, जैसे हमारा हार्ट अपना काम कर रहा है किडनी अपना काम कर रही है, पर पूरी बॉडी मिलकर तो अपना एक काम कर रही है ना, ठीक है, और उनकी जो सेल है वो अपना अपना अलग अलग काम कर रही है। तो लिविंग बींग्स में एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसीलिए इनका नाम क्या ऑर्गेनिजम्स पड़ा है, ठीक है। तो डेफिनेट शेप एंड साइज लिविंग के अंदर क्या है, पर्टिकुलर एक शेप होती है, पर्टिकुलर एक साइज होता है, ऐसे नहीं है कि किसी भी प्रकार का साइज बन गया, जिस प्रकार का ह्यूमन का अगर इस प्रकार का अगर शेप एंड साइज है तो यही रहता है जनरली, इसमें चेंजेज नहीं आता। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है जैसे अलग अलग यूनिट्स, यूनिट्स एंड सब यूनिट्स में डिवाइडेड होती है बॉडी, यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप जैसे बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनल्स, फिर सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ये सेल भी अलग अलग टाइप करती है, अलग अलग टाइप का टिश्यू बनाती है। तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट इसमें हमने लिखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड कौन सा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
तो स्टूडेंट्स ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ परमानेंट होती है. क्या होती है? ग्रोथ इज परमानेंट, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव ग्रोथ क्या होती है? परमानेंट होती है, प्रोग्रेसिव होती है, इरिवर्सिबल होती है. इरिवर्सिबल वापस चेंज नहीं आता वहीं पे. एक बार कोई ग्रो कर गया तो कर गया, ठीक है. किसके अंदर होती है? सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ठीक है. वो परमानेंट ग्रोथ करता है, अपना पूरा एक साइज लेता है. तो ग्रोथ लिविंग बींग्स के अंदर क्या है? परमानेंट ग्रोथ है, प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है, और ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है. और हम बात करें डेवलपमेंट की, दूसरा कौन सा है? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो टोटल सम ऑफ चेंजेस इन द ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ, लाइफ के दौरान, पूरी लाइफ के अंदर टोटल सम जितने भी ऑर्गन के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं. अलग अलग चेंजेस, सेल से टिश्यू बना, एक परमानेंट हुआ, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो उसकी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ, ग्रो करना, पूरी जो साइज है ग्रो करना, वेट है उसका ग्रोथ होना, वो क्या है? ग्रोथ है. अब ग्रोथ को हम देखें तो ग्रोथ प्लांट और एनिमल में अलग अलग हो सकती है. प्लांट एंड एनिमल्स. स्टूडेंट्स प्लांट में अगर आप ग्रोथ देखोगे, प्लांट्स में कॉन्टिन्यूस होती है पूरे लाइफ स्पेन, जब तक उनकी लाइफ होती है प्लांट में ग्रोथ चलती रहती है. पर एनिमल में ऐसा नहीं होता. एनिमल में एक टाइम पीरियड होता है, याद रखना दोनों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है. एनिमल में एक टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है. जबकि प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती है. क्यों होती रहती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक रीजन. प्लांट के अंदर क्या होता है? जो लीफ टिप है, रूट टिप है, स्टेम है, उनके अंदर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. वो कंटिन्यू ग्रोथ करवाता रहता है, साइज को बढ़ाता रहेगा. तो ग्रोथ इनके अंदर क्या है? थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी. एनिमल्स में क्या होता है? एक एज तक ही ग्रोथ होती है. जैसे हमारा जो कद है वो एक टाइम तक ही बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है. अब कुछ आपका क्वेश्चन होगा जी, जैसे हमारे को चोट लगी दोबारा सेल आ जाना, वो क्या है? एक रीजनरेशन का प्रोसेस है एनिमल के अंदर, जो ग्रोथ में नहीं लेंगे उसको. इसमें सिर्फ क्या होगा? ग्रोथ में तो पूरा बढ़ना होगा. यहां पे क्या होता है एनिमल के अंदर? कुछ सेल जो इतनी ग्रोथ रहती है सिर्फ भी, या तो कोई सेल बर्न्ड आउट हो गई, जल गई, खत्म हो गई, डेड हो गई, उनको रिप्लेस करने के लिए सिर्फ नई सेल बनती है. सेल डिवीजन से उतना ही काम होता है, साइज से बाद में नहीं बढ़ता है. जबकि प्लांट में क्या है? कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ये चीजें होती रहती है. तो ग्रोथ के जनरल अगर हम बात करें तो प्रोसेस क्या हो सकता है ग्रोथ का? ग्रोथ में क्या होगी? सेल डिवीजन होगी. ग्रोथ की परमानेंट प्रोसेस देखें तो क्या होगा? एक तो सेल डिवीजन होगी, एक क्या होगी? सेल एनलार्जमेंट होगी. क्या होगी? सेल एनलार्जमेंट. सेल का बड़ा होना, डिफ्रेंशिएट होना और सेल की डिवीजन होना ग्रोथ के अंदर होता है. और ग्रोथ दोनों होती है, प्रोटोप्लाज्मिक भी होती है और एक्टोप्लाज्मिक भी होती है. यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है. देखो स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये एक सेल है. सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं पूरे की, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है. और सेल के बाहर की हम बात करेंगे, वो क्या है? एक्टोप्लाज्म होता है. एक्टोप्लाज्मिक ग्रोथ उसको बोलते हैं. तो ग्रोथ पूरी होती है और प्लांट के अंदर थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ चलती रहती है. एनिमल में सर्टेन एज पीरियड होता है, वहीं तक ग्रोथ चलती है. तो स्टूडेंट्स ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आज स्टडी करने हैं और उनके बारे में और देखना है डिटेल में. नोट्स की फॉर्म में आपको आपको ये जो इनके नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, आपने उसके अंदर और अच्छे स्टडी करना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.